तो लगभग 4.5 घंटे की जर्नी कंप्लीट कर मैं पहुंच चुका था जयपुर। और कहते हैं ना कि हर एक नया दिन एक नई सुबह के साथ नई उम्मीद की किरण लेकर आता है। कुछ उम्मीदें पूरी होती हैं, कुछ बाकी रह जाती है, और शाम ढलते ही हम लग जाते हैं नई सुबह के इंतजार में। लेकिन आज की सुबह न राजस्थान वासियों के लिए कुछ खास थी, क्योंकि वंदे भारत के नाम से मशहूर ट्रेन 18 एक बार फिर से सुनहरे अक्षरों में इंडियन रेलवेज के पन्नों में अपना नाम दर्ज कराने को तैयार थी। और हम इसे बुलाने वाले थे अजमेर दिल्ली वंदे भारत एक्सप्रेस। और इस उम्मीद को पूरा होते देख इसका स्वागत पूरी परंपरागत तरीके से किया जा रहा था। स्टेशन को पूरी तरीके से सजा दिया गया था, ढोल नगाड़ों के साथ लोक संगीत पर नाचते झूमते गाते लोग और उत्साह से भरे लोगों का जन सैलाब इस बात की गवाही दे रहा था कि इस दिन का लोगों को कितने दिनों से इंतजार था। मैं इन्हीं लम्हों को अपने कैमरे में कैप्चर करके आप तक पहुँचाने के लिए पूरी तरीके से तैयार था। तो चलिए करते हैं एक और वंदे भारत के इनॉग्रल जर्नी की शुरुआत और मिलते हैं सीधा प्लेटफॉर्म पर। राम राम, सत श्री अकाल, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो अभी मैं खड़ा हूँ जयपुर रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे और मेरे पीछे खड़ी है ब्रांड न्यू वंदे भारत एक्सप्रेस जिसका कि आज इनॉग्रल है। और ये वंदे भारत देश की 14वीं लेकिन राजस्थान की उम्मीदों पर खड़ी पहली वंदे भारत एक्सप्रेस होने वाली है। और आज की इस जर्नी को हम कवर करने वाले हैं अपने रोहित भाई के साथ। तो रोहित भाई कैसा लग रहा है आज का? श्री सीताराम, बहुत अच्छा लग रहा है, ये तो बोलने की कोई बात ही नहीं। और जितना अच्छा इनका वीडियो होता है ना, आज भी उतना ही मज़ेदार है। और इनका ना एक खास अंदाज है वीडियो को शुरू करने का। रोहित भाई आपका एक अंदाज दिखाएंगे थोड़ा हमारे व्यूअर्स को? हमको आगे पीछे देख के बोलना पड़ता है स्वागत है आपका आज के एक और तड़कते भड़कते चटपटे मसालेदार वीडियो में। मुस्कुराते रहिए, मुस्कुराना है क्योंकि आप पिंक सिटी में तो हैं ही, लेकिन मुस्कुराइए क्योंकि आप आनंद की वीडियो में हैं। बहुत अलग ही, बहुत अनोखा, बहुत ही अच्छा अंदाज, थैंक यू रोहित भाई। अच्छा लगा आनंद भाई से मिलके। ये थोड़ा बिहार से बिलोंग करते हो ना, तो इनकी लैंग्वेज में जो बिहारपन झलकता है ना वो देख के मज़ा आता है। अभी अभी शुरुआत किया भाई ने, सपोर्ट करो यार, आपसे हम लोग कुछ नहीं मांगते हैं, सिर्फ एक लाइक मांगते हैं। शेयर कीजिए वीडियो को और एक लाइक दीजिए, एक एक बूंद से ना घड़ा भरता है, बस बाकी सब चीज़ें बताओ यार, बहुत है, वीडियो लंबी हो जाएगी नहीं तो। अरे लंबी तो होनी है गाइज, देखना तो पूरे आप तक, आपको एंड तक है। लेकिन चलिए करते हैं जर्नी की शुरुआत और मिलते हैं अब सीधा ट्रेन के डिपार्चर पर। वंदे भारत इनॉग्रल रन, मैं और आप, जर्नी होगी लगभग 7 से 8 घंटे की, लेकिन आपके लिए सिर्फ 10 से 15 मिनट। तो शुरू करें, चलिए मिलते हैं डिपार्चर पर। हमारे सब्सक्राइबर को बता देना कि इस वंदे भारत का स्पेशलिटी क्या है, इसका क्या बता देना। सारे वंदे भारत से ना, एक्चुअली ये ना मैं बाद में बताने वाला था, लेकिन चलो रोहित भाई ने बोल दिया तो मैं पहले बता देता हूँ। ये एक्चुअली सारे वंदे भारत से सबसे अलग है। क्यों? क्योंकि इस रूट पर चलती है डबल डेकर ट्रेन और डबल लेयर कंटेनर वाली गुड्स ट्रेन। तो इसका जो पैंटोग्राफ सिस्टम है ना वो बहुत ज़्यादा राइज करता है, मतलब कि हाई राइज पैंटोग्राफ लगा हुआ है। इसलिए खास करके इस वीडियो के लिए हमें वेट करना पड़ा, इस ट्रेन के लिए हमें वेट करना पड़ा यहाँ पर। और हाइट कितनी है रोहित भाई कम इसकी? 7.2 मीटर पैंटोग्राफ की, पैंटोग्राफ की हाइट है 7.2 मीटर, मतलब अप्रॉक्स मान लीजिए 23 फीट के लगभग। तो चलिए अब चलते हैं डिपार्चर पर। व्हाट वी आर? रेल फैंस। व्हाट वी आर? रेल फैंस। व्हाट वी आर? रेल फैंस। तो
पता नहीं है मुझे, ये सहिता गुरु। मैंने सोचा था ना कि कुछ देर बाद अपने ना टेम्परामेंट को ऊपर करूंगा, लेकिन भाई भाई साहब यूट्यूबर्स की ये टोली, यूट्यूबर्स की ये टोली देख के और खास करके भाई साहब को देख लो यार, ये यूट्यूबर लग रहा है, अरे ये लग रहा है मॉडल। अच्छा एक बात मैं अब आप लोगों को बता दूं कि जब कभी भी प्रीमियम ट्रेन्स की ना बात आती है ना, तो हर चीज़ बहुत सिस्टमेटिकली होता है। आप यहाँ पे खड़े कुछ टीसीओ को देख रहे होंगे, इनका जो ड्रेस कोड है ना वो काफ़ी अच्छा है, और मेरे हिसाब से हर ट्रेन में ये ड्रेस कोड जरूर फॉलो होना चाहिए, तभी जाके हम कहीं कॉम्पिटिट कर पाएंगे। लेकिन चलिए बात करते हैं अब कुछ टीसी से कि उनको कैसा लग रहा है आज के इनॉग्रल जर्नी में। सर कैसा लग रहा है? बहुत ही शानदार, फैंटास्टिक, टॉप ऑफ द वर्ल्ड, आनंदमय। बस इतना ही जी? जी और कुछ नहीं? बहुत अंदर से बहुत अच्छी फीलिंग आ रही है कि आज इस प्रकार की गाड़ी हमको मिली और इसमें हम वर्किंग करेंगे आज इनॉग्रल में आपकी वर्किंग। जी 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 एक सर से और ले लेते हैं कि इन्फॉर्मेशन कि सर ये ट्रेन एक्चुअली यहाँ से दिल्ली कैंट तक जा रही है। जी जी जी। रिटर्न बैक फिर आएगी कब? वहाँ से आज के लिए बोल रहे हैं या रोज की बात कर रहे हैं आप? नहीं आज की बात कर रहा हूँ, वहाँ से 15 से 20 मिनट बाद में जस्ट रिटर्न हो जाएगी, और जो पैसेंजर अभी जा रहे हैं वही सेम वापस आएंगे। मतलब क्या है ना कि रेलवे ने हमारे जाने की व्यवस्था तो फ्री में कर दी थी, थैंक यू टू द NWR नॉर्थ वेस्टर्न रेलवेज, बट आने की व्यवस्था कर दी, इसलिए डबल थैंक यू। गर्व होना चाहिए कि हम उस वंदे भारत ट्रेन की एक पहला हिस्सेदार हैं जो हम लोग सर्विस करने जा रहे हैं। हमारा काम क्या है? हमारा काम है, हमारा कोच में जो भी गेस्ट बैठा है वो हमारा कौन है? भगवान। हमारा कौन है? भगवान। क्योंकि भगवान हमारा पेट चलाता है, हमारे लिए भगवान है। तो भगवान को क्या करना चाहिए? पूजा करना चाहिए, सेवा करना चाहिए। मतलब ना यहाँ पे सारे लोग काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हैं, और अभी जो डेमोन्स्ट्रेशन आपने देखा कि हाउसकीपिंग स्टाफ को और जो केटरिंग सर्विस स्टाफ्स हैं उनको पूरी तरीके से ट्रेनिंग दिया जा रहा है, और हमें भगवान का दर्जा मिल रहा है। जी हाँ, यही है राजस्थान की असली खासियत, पधारो मारो देश, और साथ में अतिथि देवो भव। एक बार फिर से तो आज की गाड़ी का इनॉग्रेशन श्री अश्वनी वैष्णव यानी कि रेल मंत्री और मुख्यमंत्री राजस्थान के श्री अशोक गहलोत जी ने हरी झंडी दिखाकर किया था। जब तक हम इनॉग्रेशन पॉइंट तक पहुंचे वो जा चुके थे। क्यों? क्योंकि हमारा कोच काफ़ी पीछे था। और यहाँ पर भी ना कमलापति के जैसा इमेंस भीड़ था, जहाँ पैर रखने की जगह नहीं थी और सबके हाथों में मोबाइल था, और इस लम्हे को सब अपने मोबाइल में कैप्चर करना चाहते थे। और पता नहीं क्यों स्टेशन से निकलते ही भीड़ थोड़ी सी कम दिख रही थी पिछली बार के मुकाबले में, लेकिन जितनी भी भीड़ थी सबके हाथ में मोबाइल फ़ोन्स थे और वो ये लम्हा अपने मोबाइल फ़ोन में कैप्चर कर रहे थे। अभी कुछ ही देर हुए थे स्टेशन से निकले हुए कि वंदे भारत अपने रंग में रंग चुकी थी और इतना गजब का एक्सलरेशन दिखा रही थी कि क्या बताएं। और इसी स्पीड के साथ ही हमारे रेल फैंस का उत्साह भी एकदम चरम सीमा पर था। तो गजब का एक एक्सलरेशन दिखाते हुए हमारी गाड़ी चंद मिनटों में ही पहुंच गई है। कहाँ पहुंची रोज भाई? गांधीनगर पहुंची नहीं है, पहुंचने वाली है। गांधीनगर जयपुर। और ये हालत देखो, ये ना C9 का हालत है भाई साहब। कुछ ही देर में गांधीनगर स्टेशन पहुंचने वाले हैं, गाड़ी के दरवाजे बाएं तरफ खुलेंगे। और ड्राइवर चचा ने इन्फॉर्मेशन दे दिया है कि गाड़ी कुछ ही देर में पहुंच जाएगी गांधीनगर, गेट खुलेगी बाएं तरफ। गांधीनगर
गांधीनगर पहुंच के पहले हमें लगा कि यहाँ पे लोगों में उतना उत्साह नहीं है, लेकिन फिर पता चला कि हमारी कोच काफ़ी पीछे थी, इसलिए जो भी सेलिब्रेशन और ट्रेन का स्वागत हो रहा था वो आगे की तरफ हो रहा था और हमें पता भी नहीं चल पा रहा था कि आगे क्या क्या हो रहा है। तो पहला स्टॉप गाड़ी का पहुंच चुके हैं गांधीनगर जयपुर। हुजूम उतना दिख तो नहीं रहा है यहाँ पे, लेकिन आगे देखिए ये यहाँ से जयपुर से एक्चुअली मात्र 6 किलोमीटर के डिस्टेंस पर पड़ता है, लेकिन भीड़ उतनी ज़्यादा दिखी नहीं, उतना हुजूम दिखा नहीं जो लास्ट वंदे भारत में हमें दिखने को मिला था। गाड़ी का स्टॉप है बस 2 मिनट का, तो जरा से भी बिना देरी के हम सीधा चढ़ जाते हैं वापस ट्रेन में। तो डोर्स हो गई हैं बंद गांधीनगर जयपुर से और अब हम करेंगे यहाँ से प्रस्थान। बात करें अगर बगल वाली प्लेटफॉर्म पे तो एक ट्रेन लगी हुई है प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर जो कि चलती है अजमेर से आगरा कैंट, और उन सभी के यात्री खड़े हैं गेट पे देख रहे हैं। लेकिन ना बात करते हैं अपने फिर से एक रोहित भाई से। रोहित भाई, कुछ खासा मजा आज के इनॉग्रल में दिख नहीं रहा। सच में मैं तो अपनी वीडियो में ही बोला कि बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि बहुत सूना टाइप का लग रहा है, शायद पासिस नहीं है जैसा कि तुमने मेरे को बोले। अभी तक सोचिए हम जर्नी कर रहे हैं, पासिस ही नहीं है हमारे हाथ में, मे बी उसलिए भी मजा नहीं आ रहा हो। अब क्या रीजन हो सकता है बोल नहीं सकते हो। मैं एक चीज बोलूंगा, चलो जरा तो हम थोड़ा निराश होकर डिस्कशन ही कर रहे होते हैं कि ना भीड़ ना हुजूम दिखा अभी तक इस ट्रेन में। हमारा पहला इनॉग्रल हॉल्ट आ गया था, तभी अचानक से आगे की भीड़ हमें दिखाई देती है और पता चलता है कि हम पीछे की बोगी में थे और इसलिए हमें वहाँ पे कोई भी इवेंट के फंक्शंस देखने को नहीं मिल पाए और ना इस गाड़ी का वेलकम देखने को मिला। हम लोग जब स्टेशन पर होते तो फेंसिंग लगी थी एक साइड। आप सोचिए फेंसिंग क्यों लगती है, क्योंकि जितना आप एक्सपेक्ट करोगे उससे ज़्यादा भीड़ आती है। यहाँ पे तो भीड़ है ही नहीं, नॉर्मल स्टेशन पे आप आओगे तो इससे ज़्यादा भीड़ दिखती है, लेकिन यहाँ पे भीड़ के मामले में कुछ है ही। अरे बाप, इधर उल्टा ही कैसा है यहाँ, ये क्या है ये? ओ भाई साहब, यहाँ पे हुआ है लग रहा प्रोग्राम। तो एक बार फिर से इस इनॉग्रल जर्नी को एक मस्ती भरा रोमांचक जर्नी बनाने के लिए मैं वैशाली मैम के साथ पहुंच जाता हूं कोच नंबर C9 में, जहां हमारे सारे सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स बैठे हुए थे, और वहां जाकर हम लगाते हैं वंदे मातरम के नारे। चलो शुरू करो। व्हाट वी आर, व्हाट वी आर, व्हाट वी आर, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। बस एक बार और, एक बार और, एक ही नारा एक ही नाम, जय श्री राम जय श्री राम, एक ही नारा एक ही नाम, जय श्री राम जय श्री राम, एक ही नारा एक ही नाम, जय श्री राम जय श्री राम, नमः पार्वती पते हर हर महादेव। बोली दो आज चूंकि इस ट्रेन में सबसे बड़ा पॉजिटिव यह है कि लोगों में एक उत्साह का माहौल बना है, एक त्योहार की तरह इसको सेलिब्रेट किया जा रहा है, और चूंकि अच्छा आदमी करता है और अच्छा देखता है तभी उसमें आज जब मोदी जी ने स्वच्छ भारत। तो हमारे कोच में ही बैठे हुए एक रेलवे एम्प्लॉय बहुत ज्यादा उत्साहित होते हैं और इस एक्साइटमेंट को वो रोक नहीं पाते हैं। जब हमने उनसे बात करी कि आपको आज कैसा लग रहा है इस इनॉग्रल जर्नी में, तो उन्होंने काफ़ी कुछ अच्छा बताया इस ट्रेन के बारे में।
लोगों में एटीट्यूड जनरेट हुआ है कि आज हम कहीं पर भी कचरा फेंकने से पहले देखते हैं कि कहीं गंदगी ना फैलाए, तो ये धीरे धीरे डेवलप हो रहा है। अब इस तरीके की जब ट्रेनें देखेंगे लोगों में अपने आप एक भावना जागृत होगी कि हम इन जो हमारे को सुविधाएं दी गई हैं सरकार के द्वारा उनको बनाए रखें और इनका निरंतर फीडबैक हम लोगों को सरकार को देते रहें, तो वो उस पर प्रयास करके आगे इसमें और परिवर्तन करेगी। और आज आपको सेमी स्पीड हाई ट्रेन मिली है, कल बुलेट ट्रेन हर पटरी पर दौड़ेगी, ये मेरा वादा है। फिलहाल हमारी ट्रेन जो है काफ़ी धीमी रफ्तार पे चल रही है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं बहुत धीमी रफ्तार पे फिलहाल हमारी ट्रेन चल रही है, लेकिन इसकी एक्सलरेशन का ना कोई जवाब नहीं है। इसकी एक्सलरेशन के लिए ही ये ट्रेन जानी जाती है। तो अब जो एक्सलरेशन आने वाला है ना, ये पूरा एक्सलरेशन मैं आपको दिखाने वाला हूँ। बस आप अब इसका एक्सेलरेशन देखिए, क्या धांसू एक्सेलरेशन, पैर रख दिया भाई। अच्छा मिला, 110 से ऊपर तो नहीं जाएगी। और अभी 110 की स्पीड पर इसने यहाँ पे एक स्टेशन को मारा स्किप। लेकिन गाइज आप बोल रहे होंगे भाई 160 और 130 की रफ्तार के और 180 का नाम लगाकर वंदे भारत को चलाया जाता है, तो फिर 110 क्यों, क्यों रोहित भाई 110 क्यों? मेरे को तो ये आश्चर्य हो रहा है कि जैसे मैं नॉर्मल ट्रेन में सफर करता हूँ ना, तो 110 में तो वो स्किप मार देती है गाड़ियाँ। 130 में भी मारती है, 100 नहीं हो सकता है, आगे हमको देखने मिलेगा। 130 तो मिनिमम मिलना ही, 145 तो मैंने देखा हूँ अभी स्पीडोमीटर में, अभी मैं हाँ 145 हुआ था। तो आगे अपने को जब बिल्कुल पैरेलल सीधा पाथ मिलेगा तो जरूर मिलेगा देखने के लिए, घबराइए नहीं। घबराना नहीं है, स्पीड मिलेगा मिलेगा। फिलहाल थोड़ा सा और देख लीजिए, चल भाई। तो अब हमें सर्व होने लगी थी आज की वेलकम ड्रिंक, जिसे पीकर हम थोड़ा सा एनर्जेटिक फील किए, और उसे पीते पीते ही आ चुका था आज का तीसरा हॉल्ट, जो कि था बस्सी रेलवे स्टेशन, जहां पर इस ट्रेन का लोगों ने बहुत गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। ये क्या हुआ? खुला खुला पे। तो चलिए गाइस अभी हम लोग आ चुके हैं बस्सी स्टेशन पे। तो हम लोग अभी पहुंच चुके हैं बस्सी, और कैसा लग रहा है? फिर से यहाँ पे काफी ज्यादा हुजूम है, और हुजूम तो अच्छा खासा ही आ रहा है। और भाई साहब मजा है, एक्साइटमेंट है, और यहाँ पे आज की इस वीडियो को हम कर रहे हैं यहीं पर समाप्त, क्योंकि वीडियो हो रहा था काफ़ी ज़्यादा लंबा। तो चलिए आप इस वीडियो को पूरी तरीके से देखिए, और प्लीज़ अपना फीडबैक ज़रूर देना, अच्छा हो या बुरा, कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं इस वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में, यानी कि कल।